नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बन्नास फटाफट कुकिंग शो में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। आइए, इसके लिए हम लोग धनिया पत्ती मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम के आसपास धनिया पत्ती। में डाल रहे हैं 2-3 हरी मिर्च और 5-6 लहसुन की कली। इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। ये धनिया पत्ती का पेस्ट पिस गया है। हमने यहाँ पर लिया है बॉइल्ड आलू। बॉइल्ड आलू को हमें ग्रेट करना है। आलू को इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से ग्रेट करने से इसमें कोई लम्प्स नहीं रहता है। आप मैश करके भी इसको डाल सकते हैं। फ्राइंग पैन को हीट करते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा वेजिटेबल ऑयल, अराउंड 2 टेबलस्पून। दो मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज, इसमें डालते हैं थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, में डालेंगे धनिया का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। इसमें डालेंगे आलू जो हमने ग्रेट किया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पर मैंने डाला है 2 टीस्पून नमक। आप अपने अंदाज से नमक डालें। इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करना है। ये हमारा फ्राई हो चुका है। इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं। जब तक ये आलू ठंडा होता है, आइए हम लोग ब्रेड पकौड़े के लिए घोल तैयार करते हैं। इसमें हमने लिया है 1/2 कटोरी चावल का आटा, 1/2 कटोरी मैदा, 1/2 कटोरी गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सबको मिक्स करेंगे। चावल का आटा और मैदा लेने से और गेहूं का आटा लेने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और काफ़ी देर तक ये ठंडा होने पर भी ये क्रिस्प रहता है। और बेसन में हम लोग घोलते हैं तो वो भी क्रिस्प होता है, पर ठंडा होने के बाद वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर चावल का आटा, मैदा और गेहूँ का आटा लिया है। चावल का आटा डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही क्रिस्प होता है। घोल को ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे।
ये हमारा परफेक्ट घोल बन गया है। ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना पतला है। ये आलू ठंडा हो चुका है। अब आइए इसके ब्रेड में स्टफिंग करते हैं। ये हमने ब्रेड का 2 स्लाइस लिया है, इसमें लगा रहे थोड़ा सा टोमेटो केचप। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लगा सकते हैं इसको, अगर सॉस का टेस्ट पसंद नहीं है तो। पर बच्चों को सॉस का टेस्ट बहुत पसंद आता है, इसलिए ये सब बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। बोले आइए तब तक ऑयल को हीट कर लेते हैं। ऑयल हमारा हीट हो रहा है। आइए इसमें करते हैं आलू की स्टफिंग। इसको हम लोग इस तरह से बीच में कट कर लेते हैं, नाइफ से कट कर लीजिए इसको। इसमें इस तरह से ब्रेड को डिप करना है। इस तरह से दूसरा ब्रेड भी इसमें डाल दे रहे हैं। दूसरी तरफ आइए, इसको पलट दें। आइए इसको एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी बचे ब्रेड को भी इसमें डिप करके इसे डीप फ्राई कर लेना है स्टफ करने के बाद। इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। हमने टिश्यू पेपर पर निकाला है, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। आइए इसे सर्व करते हैं। देखिए बहुत ही क्रिस्प बना है। ये हमारा बनकर रेडी है ब्रेड पकौड़ा, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसे गरम गरम आप स्नैक्स के में लें, या फिर ठंडा होने पर भी ये क्रिस्प रहेगा। इसे बच्चों के लंच बॉक्स में। ब्रेड पकौड़ा बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप किसी भी वक्त बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें, अपने परिवार के बीच बैठकर इसका आनंद लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।